सालों से पति को जिस जजमेंट का इंतजार था वो जजमेंट पति के लिए आ गया है। उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा पत्नी को, पत्नी का मेंटेनेंस हो गया जीरो, जबकि पत्नी ना तो एडल्ट्री में थी और ना ही खुद कमाती थी। तो ये अजूबा हुआ कैसे ये जानिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। 22/1/2024 का जजमेंट मैं आपके सामने लाई हूं, इतनी मेहनत की है, तो प्लीज एक शेयर बनता है और एक लाइक तो बनता ही है। इस केस में पत्नी जो है मेंटेनेंस की पिटीशन डालती है और उसमें कहती है मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं। ऐसे में पति का कहना था कि मेरी पत्नी उल्टा मेरी माँ और मेरी दादी की सेवा नहीं करना चाहती है, वो मुझे जो है मेंटली टॉर्चर करती है कि मैं अलग रहना चाहती हूँ इनसे, मेरे साथ तुम अलग रहो और अपने माँ से दादी से अलग रहो, मैं इनका कुछ नहीं करूंगी। इतना सब होते हुए भी लोअर कोर्ट में 30,000 रुपए महीना उस पत्नी के लिए मेंटेनेंस बन जाता है और 15,000 रुपए माइनर जो उसका बच्चा था उसके लिए बन जाता है। लेकिन पति ऐसे में हार नहीं मानता, वो करता है अपील। इस अपील में वो कहता है कि जो मेरी पत्नी है वो मेरी माँ और दादी के साथ नहीं रहना चाहती है, वो मुझे भी प्रेशराइज करती है कि इनको छोड़ के मेरे साथ रहो, मैं इनका कोई भी काम नहीं करूंगी, मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी, इनका कोई सर्विस नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। इससे रिलेटेड वो एविडेंस भी कोर्ट के सामने देता है। अब कोर्ट के सामने ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि जो पत्नी है वो बिना किसी वैलिड ग्राउंड के पति को प्रेशराइज कर रही है कि वो अपनी माँ से अलग रहे, अपनी दादी से अलग रहे, जबकि दादी की उम्र बहुत ही ज्यादा है और ऐसे में उनकी सेवा करना, उनके किसी का साथ रहना जरूरी है। अब यहाँ पे कोर्ट अपने ओपिनियन भी देता है कि इन इंडियन कल्चर अ मैरिड वुमेन मस्ट सर्व मदर इन लॉ। अगर वो अपना कोई भी कर्तव्य नहीं करती, यानी कि सास ससुर से अलग रहने को फोर्स करती है अपने पति को, उनकी सेवा भी नहीं करती है और फिर वो अपने राइट भी क्लेम करती है, तो यह कहीं ना कहीं गलत होगा। अब यहाँ पे कोर्ट के सामने एक क्लियर बात हो जाती है कि बिना किसी सफिशियंट ग्राउंड के जो पत्नी है वो पति को छोड़ के गई है सिर्फ इस ग्राउंड के लिए कि वो अपने माँ से अपनी दादी से अलग रहे। अब यहाँ पर जान लीजिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन है 125(4) में कि अगर बिना किसी सही कारण के पत्नी पति को छोड़कर जाती है अपनी मर्जी से बिना किसी वैलिड ग्राउंड के, तो उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अधिकतर केसेस में इस मेन ग्राउंड पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यहां इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इस मेन ग्राउंड पर पूरा ध्यान दिया गया और जो पत्नी का मेंटेनेंस था 30,000 उसको जीरो कर दिया गया, जबकि बच्चे का मेंटेनेंस जो 15,000 था उसको 10,000 बढ़ा दिया गया और 25,000 कर दिया गया। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी कि पत्नी जो है अगर सही नहीं कर रही है तो आप भी उसका मेंटेनेंस रुकवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा चाहे वो सही हो या गलत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून की सही जानकारी रखिए और सही उसका उपयोग कीजिए, आपको भी बहुत ही बड़ा फायदा होगा। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड अगर आप हमसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।